बरकरार है इस ईवी इंडिया एक्सपो 2022 में। हम आ गए हैं सिल्वर लाइन स्टॉल पर, जहां पे हमें एक अमेजिंग सी इलेक्ट्रिक बाइक नजर आई। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दीपक सर। सर, वेलकम टू पावर टॉक्स। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं सिल्वर लाइन पावर स्टेशन का कंट्री हेड हूँ। मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। ये हमने बाइक बनाया जिसपे हमने ट्रू इंस्पिरेशन हमको मिली बुलेट से, बुलेट इलेक्ट्रा से। उसी से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने इसका पूरा नया लुक बनाया है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे फ्रंट में हमने अलॉय व्हील लगाया है। ऑल शॉकर्स, एब्जॉर्बर्स, इंडिकेटर्स, दे आर ट्रूली इंस्पायर्ड बाय बुलेट इलेक्ट्रा। ये इसका हेडलाइट है, फ्रंट DRL है विद LED डिस्प्ले है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं इसके मीटर पे 63.2 वोल्ट शो कर रहा है, बैटरी 100% चार्ज शो कर रहा है। दिस इज़ एन SOC मीटर। इससे हमको पूरा पता लगता है कि गाड़ी में कितना चार्ज बाकी है और कितना वोल्टेज बाकी है। ये इसका स्पीडोमीटर है, इससे हम इसकी स्पीड का जजमेंट करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आने वाली है। अब जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बैटरी पोर्शन है। टैंक इज़ फॉर शो ओनली, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है, दैट इज़ बैटरी पार्ट। अभी हम बैटरी इसमें यूज़ कर रहे हैं 62 वोल्ट्स का और 40H का। 40H मीन्स कि इसका माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स का एक बार चार्ज करने पे आता है, जबकि ये 4 यूनिट बिजली लेता है एक बार चार्ज होने के लिए। सर, टॉप स्पीड क्या होगी? टॉप स्पीड इसकी जो है मैम 85 की जाती है, लेकिन अगर डुअल लोड पे है, दो सवारी पे अगर हम इसको चलाएंगे तो इसका 80 का टॉप स्पीड जाता है। अब जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है इसका मोटर। अभी ये चेन ड्रिवन मोटर नहीं है, ये सेल्फ मोटर है और ये वाटर प्रूफ है। अभी चेन ड्रिवन मोटर अगर होगा तो उसमें हम वाटर प्रूफ सिस्टम नहीं डाल सकते। इसको गाड़ी को आप उठाइए, पानी में डुबोइए, निकालिए और फिर चलाइए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि ये सेल्फ मोटर है और BLDC है, ब्रशलेस DC मोटर है ये। सर, बैटरी की अगर हम बात करेंगे, बैटरी पे कितने ईयर की आप वारंटी दे रहे हैं, कितने वॉट की बैटरी यूज हो रही है? मैम एक्चुअली वारंटी स्केल डिसाइड होता है उसके चार्जिंग साइकिल से। इसका जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज लिथियम फेरस फॉस्फेट। इसका 2000 टाइम्स चार्जिंग साइकिल है, 2000 बार ये बैटरी चार्ज होगा। उसके बाद फिर आपको बैटरी नहीं रिप्लेस करना है, इसके अंदर सेल्स हैं, लिथियम सेल्स। आपको खाली लिथियम सेल निकालना है और रिप्लेस कर देना है, जो कि 3,000 से 4,000 रुपये का खर्चा आता है। नई बैटरी की कॉस्ट अगर हम जोड़ने जाएंगे तो वो 35,000 रुपये के ऊपर जाती है। तो 3,000 से 4,000 रुपये में 3-4 साल में आपकी बैटरी फिर रिपेयर हो जाती है और फिर नई हो जाती है। सर, टोटल वेट कितना होगा इस इलेक्ट्रिक बाइक का? इसका टोटल विद बैटरी ग्रॉस व्हीकल वेट है लगभग 132 किलोवाट। लेकिन अगर हम इसको ऑपरेशनल लेके जाते हैं बैटरी की को उससे वेट से, तो 158 आएगा, 158 किलोग्राम्स। टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो कितने प्राइस में कस्टमर को ये अवेलेबल हो जाएगी? ये 1,51,000 में कस्टमर के लिए अवेलेबल है और इस पे 18,000 का सब्सिडी है। फेम 2 सब्सिडी मिलता है 18,000 रुपीज़ का, जो कस्टमर को ही बेनिफिट होता है उसका। सर, आपने इसको इलेक्ट्रिक बुलेट का नाम दिया, जब आपने डिज़ाइन किया इसे, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम सबसे पहला चैलेंज तो मोटर का ही था, क्योंकि जब भी हम इसका फ्लड टेस्ट करते थे, मोटर ऑपरेशनल बंद हो जाता था। उसको डेवलप करते करते, R&D करते करते, हम लोग जब वाटर प्रूफ मोटर पर लेके आए, तब जा कर के ये गाड़ी रोड वर्दीनेस के हिसाब से अप्रूव हुई है, तभी हम इसको रोड पर ला सकते हैं। दूसरा चैलेंज था इसका फ्रंट लाइट। फ्रंट लाइट अभी हम जो इसका यूज़ कर रहे हैं वो LED और DRL है। आजकल ज़माना LED DRL का ही है। एक्चुअल जो इंस्पिरेशनल बुलेट थी उसका हेडलाइट आज भी वही पुराना चलता है, लेकिन हमको इसको DRL पे लाना था और LED पे लाना था, क्योंकि अब ज़माना DRL और LED का ही है। इससे यही एक दो चैलेंजेस आए, बाकी तो गाड़ी बहुत। तो आपको कैसी लगी ये इलेक्ट्रिक बुलेट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। शुक्रिया।